स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है कि आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम दिया था मार्च में, तो उसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरियाणा के लिए था। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया था SSC.Commission ने, यानी SSSC ने। तो इसमें रिजल्ट आ चुका है, तो आप इसको सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबॉर्डिनेट कोर्ट की साइट पर जाकर इसको ढूंढ सकते हैं। साइट का नाम जो है SSSC.gov.in है। तो इस पे आप जाओगे तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको रिजल्ट कॉलम मिलेगा। तो रिजल्ट कॉलम में आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखेंगे। तो इसमें आपका 1/6 यानी 1 जून को रिजल्ट आ चुका है, और ये क्लर्क सबॉर्डिनेट कोर्ट ऑफ हरियाणा का है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, और इसमें ये नोटिस नंबर है जिसमें आपका ये रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो इस नोटिस पे आप क्लिक करोगे, देन आपका आएगा जो आपकी मेन लिस्ट है। उस मेन लिस्ट में आपके रिजल्ट की पूरी लिस्ट दे रखी है, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, आपके मार्क्स आदि आदि सभी अनाउंस हैं। तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि आ गई हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब एंड हरियाणा की है, तो इसमें रोल नंबर वाइज लिस्ट दे रखी है जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। अब रिटन एग्ज़ाम के बाद CPT यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाएगा, और जो CPT की डेट रखी है वो 7th और 8th जुलाई यानी 7 और 8 जुलाई को उसकी डेट रखी है। एडमिट कार्ड आपके लास्ट जून में यानी एंड ऑफ जून में आपके डाउनलोड होंगे, और फिर इसके बाद आपका जो CPT है वो 7 और 8 जुलाई को होगा। इसमें आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, नाम वाइज भी चेक कर सकते हो, रोल नंबर वाइज भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये फ़ायदा है, इसमें मार्क्स दे रखे हैं यानी आप अपने मार्क्स दे सकते हो। इन मार्क्स के आधार पर आप थोड़ा अंदाज़ा भी लगा सकते हो, एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपके मार्क्स कितने आए और फर्दर आपके सिलेक्शन के कितने चांस हैं। इसमें कैटेगरी वाइज भी लिस्ट है जनरल की, SC ST हरियाणा के लिए जो तो हैं। इसके अलावा आउट स्टेट के जो सभी कैंडिडेट थे उनको जनरल में काउंट किया गया है, तो वो जनरल मेरिट में कम्पीट करेंगे। तो इसमें मार्क्स जो हैं 100 का था, तो मार्क्स जो हैं लगभग 60-65 मैक्सिमम गए हैं, और 50-55 ये नॉर्मल गए हैं। और आप इसको अंदाजे से देख सकते हो और आगे CPT की मेहनत कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने CPT क्वालिफाई कर लिया देन आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और CPT आपका क्वालिफाइंग है, यानी आपको CPT में सिर्फ टाइपिंग को क्वालिफाइंग पास करना है, उसके बाद आपकी मेरिट जो बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी, वो रिटन एग्ज़ाम पे बनेगी। और ये मार्क्स आपके रिटन के जो आए हैं यही एग्ज़ाम आपके सिलेक्शन के लिए आपको ज़रूरी होंगे। तो इसी मेरिट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी सिलेक्शन कितने पास हो आप सिलेक्शन के, क्योंकि मार्क्स जो हैं अगर आपके अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, 60 के आसपास हैं, तो सिलेक्शन काफ़ी अच्छी है, आपके चांस अच्छे हैं। और इसमें आप अपनी CPT की तैयारी के लिए आपको टाइम भी 1 महीने के आसपास आपको टाइम मिल गया है। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, और CPT के लिए भी बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए और CPT भी आपका अच्छा होगा। धन्यवाद।